हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ दिन से, और वो भी मैं आज बनाना नहीं चाह रही थी, सही बताऊँ तो मुझे बनाना पड़ गया है क्योंकि आज मैं हूँ बहुत खुश। खुश किस लिए हूँ बताती हूँ आपको। जिस चीज़ का हम लोग वेट करते हैं इतने टाइम से, आज वो मेरा वो चीज़ आ गई है। क्या ये मैं बताऊंगी, आप बने रहिए इस ब्लॉग में और लास्ट तक इस ब्लॉग को देखिए। मैं ज़रूर बताऊंगी किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है? आप देखना ज़रूर, स्किप कोई नहीं करना। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे। चलिए तो बता ही देती हूँ, क्यों सस्पेंस इतना लंबा रखना। देख, आज मुझको मिला है बिल्कुल जस्ट अभी अभी आया है कोरियर से गूगल एडसन का पिन। ये पिन आ गया है मेरा, मेरे हैंड में आज ही मिला है मुझे, तो आज मेरा पिन आ गया है। देखते हैं इसको कैसे डालना, क्या करना भी मुझे कुछ नहीं पता, देखना पड़ेगा। और जैसे भी मैं करूंगी मैं आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। वो बाकी क्लैपिंग कर रही बैठी है, तो मैं शेयर करूंगी कैसे है, कितने टाइम में ये पिन आया है, जो भी है इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो क्या क्या प्रोसेसर है इसका मैं सोच रही हूँ अलग से बनाऊंगी इसको वीडियो, ठीक है? इसमें नहीं, और अभी मैं कर रही हूँ एडिट वीडियो। तो ये मेरी देखो लैपटॉप चला हुआ है, एडिट कर रही हूँ वीडियो को आप लोगों के लिए। तो आज मैं सुबह सो ली थी, थोड़ा सा सो के अभी उठी हूँ तो थोड़ा ऐसी हुई। आज मैंने पता, आज मैंने वो करा था, क्या बोलते हैं, स्पा किया था घर में, बालों में ना, मैं उससे क्या बोलते हैं, मैं तो नाम भूल जाती हूँ सच में, स्पा क्या है ना बालों का, अरे नहीं वो कौन सी कंपनी का है, याद आ गया। आज मैंने स्पा किया था अपने बालों में, और लॉरियल कंपनी का। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो मैंने ये स्पा का भी अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो मैंने ये मतलब घर में ही कर लिया, बहुत अच्छे बाल हो गए हैं, बड़े सिल्की सिल्की बाल हो रहे हैं, तो आप घर में कर सकते हो। आप लोग देखना, अलग से मैंने डाली हुई, आज की मैंने वीडियो नहीं बनाई लेकिन मैंने ऑलरेडी अलग से डाली हुई है। अभी मेरे बाल थोड़े, मैंने आज अभी तक कॉम्ब भी नहीं किया इस वजह से ऐसे हो रहे हैं, बट बहुत अच्छे बाल हो रहे हैं, तो इस वजह से। तो आप लोगों को करना है तो आप जरूर करना, बहुत अच्छे से घर में इस काम कर सकते हैं, पार्लर जैसे स्पा बिल्कुल हो जाता है। तो आप वो वीडियो वॉच करना मेरी, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्पा वाली वीडियो। तो चलिए बस अभी तक इतना था। बच्चे अभी स्कूल से हैं, अभी मुझे लंच बनाना है। लंच में मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया आज बैंगन आलू की सब्जी। आज मैंने बैंगन आलू की सब्जी शेयर नहीं करी है, सुबह जल्दी था तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, तो मैंने इसलिए बस पिन आया तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता, इसी ब्लॉग को स्टार्ट किया बताने के लिए कि मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ मेरा पिन आ गया है। कितने दिन में आया है, आई थिंक मुझे कितने दिन, एक वन वीक लगा है आने में, हाँ वन वीक लगा है मुझे, पक्का ध्यान है। मैंने वेरीफाई किया था फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को किया, फ्राइडे को ही आया है, पूरा वन वीक में मेरा पिन आ गया है, वन वीक में। चलिए तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। दूध अदरक वाला कर रही हूँ, अदरक और तुलसी का, पाकी और कार्तिक के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा जुकाम वुकाम हो रहा है, तो अभी उसको दूध दूंगी अदरक का, इसको उबाल के ठंडा करके हल्का सा गुनगुना दूंगी, और उसके बाद जाऊंगी, आज जाना है डॉक्टर के, डॉक्टर का नंबर लगाया हुआ है पाकी का, उसको बहुत ज्यादा फीवर सा जुकाम सा हो रहा है, तो बस अभी इसको दूर करके और मैं वहीं पे जाऊंगी, डॉक्टर के नंबर लगा दिया है,
और वो देख रही है अभी टीवी और कार्तिक गया है अभी बाहर, तो आज मेरे बाल बड़े शाइनिंग मार रहे हैं क्योंकि आज मैंने स्पा किया है घर पे ही। देखो कितनी शाइनिंग हो रही है, बहुत शाइनिंग एकदम, देखो इतनी एकदम से जैसे दिख रही है बाल बांध लिए हैं, गर्मी हो रही है इस वजह से, अदरवाइज बहुत अच्छी शाइनिंग मार रही है बालों में आज। स्पा से फर्क तो पड़ता है पर रोज रोज नहीं होता ना, ये लगता है क्या रोज रोज कर रहे बैठे घर पे, मतलब टाइम लगता है बहुत ज्यादा, तो इसी वजह से इतना टाइम होता नहीं अपने पास में कि ये सब चीज हम करें। तो मैं अभी किचन में खड़ी हूँ क्योंकि दूध निकल ना जाए इस वजह से, तो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, अगर निकल गया तो पूरा फिर मुझे साफ करना पड़ जाएगा। तो बस सिम कर दिया, अभी उबलता रहेगा इतने, और देखो और कौन आया है हमारे घर पे, म्यूट करना पाकी, किसी से मिलवाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। मेहमान आए हैं हमारे घर पे, बड़े बड़े मेहमान आए हैं। आंजी हेलो बोलो, आंजी 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 हेलो बोलो, आंजी ओ अंजू ये आज मूड में नहीं है, उस दिन बड़े मूड में थी, बातें कर रही थी, खेलने आ जाती पाकी के साथ में, नहीं गिर जाएगी वो, गिर जाएगी ना तो पाकी, नो देखा और मेरे देखो कपड़े ऐसे ही फैले पड़े हैं सारे, ये पड़े, मैं इनको फोल्ड नहीं कर पाई अभी तक भी, मैं कहते ना जब मन करते तो करने करती रहती हूँ, जब नहीं होते फिर पड़े रहते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो बस ये दोनों ये बैठ गई मैडम, अंची अंची बैठ गई, अंची वीडियो बना रही हूँ मैं आपकी, अंची डांस करके दिखाओगी फ्रॉक में, फ्रॉक में डांस करके दिखाओ, अंची गांच ज्यादा जिला अभी डांस करके देखे, देखो अभी दिखाती हूँ उसका करती है, तो मैं दोबारा से इसको देखने आ गई, दूध को उबल गया है, इसको ठंडा कर दूंगी, दूध बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होता है, अदरक का देना चाहिए, मौसम में जैसे उस टाइम खराब हो रहा है और बीमारियों का भी रहता है, तो बच्चों को अदरक इसको वगैरह में आराम मिलता है बहुत ज्यादा, तो इसको पिलाना चाहिए दूध अदरक और तुलसी का। आंजी डांस नहीं करना आपको, चलो तो ठीक है अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं जी, आपको डांस नहीं करना तो ठीक है बाय, हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, बाकी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, चलो भाई ये नहीं कर रही आज का मूड नहीं है अंशी का, तो इसलिए फिर हम चलते हैं बाकी को लेके। अमेजोन से मंगाया है हमने इस बार के पहले भी मंगाया था, ये वॉल स्टिकर्स वगैरह हैं, अब देखते हैं ये वाला कैसा निकलता है, इस पर अमेजोन प्राइम में कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा था तो वहां से हमने मंगाया है, तो चलिए खोलते हैं हम इसको, बड़े सारे पेपर्स हैं, ये इसमें स्टिकर्स ये मंगाए मैंने लैंटर्न टाइप से है, तो इसमें काफी सारे इसके पेपर्स हैं, कई सारे हैं, ये देखो कितने सारे हैं, वाओ प्यारा लग रहा है, ये फ्लावर्स हैं, ये इस टाइप से हैं, ये इस टाइप से हैं, तो मतलब अच्छा है, ये इसका मेन है, ये डिजाइन इसका ऐसे बनना है, तो ये काफी अच्छा है, तो आप लोग देख सकते हो प्राइम पे अमेजोन प्राइम में डिस्काउंट आ रहा है, तो आप लोग भी वहां से मंगा सकते हो, तो काफी अच्छे ऑफर निकले हुए हैं और भी काफी अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, आप अपने वॉल्स पे लगा सकते हो, मैंने जो और बाकी के मंगाए मैं दिखाती हूँ आपको, और कौन कौन से मैंने बहुत पहले मंगाए थे, ये देखो ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगाया था जब उस टाइम प्राइम में जो डिस्काउंट वगैरह चला था,
तो ये तो हो गया, मेरे को एक साल करीब हो चुका है, दिवाली के टाइम मंगाया था। और एक और दिखाती हूँ, ये है कृष्ण जी, तो ये भी हमने अमेजन से ही मंगाए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस रहा है स्टिकर्स का, तो इसीलिए हमने मंगाए हैं। मैं जब इसको लगा लेंगे आपको एक लुक तब दिखाऊंगी कि कैसा लगता है लगाने के बाद। देखने में तो सुंदर लग रहा है, लगाने में मेहनत भी लगेगी, जिस टाइम हम लगाएंगे उस टाइम आपको जरूर दिखाऊंगी। और आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अमेजन पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट आए हुए हैं। तो और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मैं आपको इसका लुक जरूर दिखाऊंगी। ये देखो हमने ये बना लिया है पूरा, इसको पेस्ट कर दिया है, कितना प्यारा वो लगा है। बस थोड़ी साफ होती है और ज्यादा बेटर लगती है, थोड़ा पेंट गंदा हो रहा है ना इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी बहुत अच्छी लग रही है ये। चलिए और देखो इस बीच हो गई है बारिश, में आपको बारिश होने लगी है, बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखो बहुत तेजी से बारिश होने लगी एकदम से। और मैंने ये वॉल स्टिकर लगा लिया, ये मैंने अकेले नहीं लगाया, मेरे हस्बैंड ने भी लगाया, ज्यादातर तो उन्होंने लगाया, मैं तो लास्ट में जो फ्लावर बच गए थे सिर्फ वो लगाया, वो उनकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो आते नहीं, आप लोगों को पता है, तो बस इस वजह से। पर प्यारी लग रही है वॉल इसको लगाने के बाद में, मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए था वीडियो बनाने के लिए, तो वो तैयार हो गया एक। तो वैसे भी आप अगर आप इससे एक मतलब प्लान वॉल मतलब पेंट हो उसमें आप अलग अलग डिजाइन की लगा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, अमेजोन पे है, उस पर काफ़ी डिस्काउंट आ रखा है इस टाइम पे, तो आप लोग जाके देख सकते हो। हर मतलब बाथरूम के लिए, किचन के लिए, सबके लिए अलग अलग है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो कर सकते हो। और अभी मैंने बनाया राजमा चावल, तो मैंने शेयर नहीं करी वो राजमा चावल की वीडियो क्योंकि आज बहुत लेट हो रहा था, हम लोग पार्क चले गए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो उसके बाद में मैंने नहीं शेयर की, बस बना दिया। और बारिश हो रही है, बारिश का मजा ले रहे हैं बैठे हुए, अभी बस ये करके अभी होते हैं हम लोग। और कार्तिक गया स्कूल, पाकी बैठी है ही, डॉक्टर के गए थे हम लोग, डॉक्टर की वहाँ वीडियो नहीं बना पाई थी, बस होके हम आ गए थे डॉक्टर से दवाई लेके, पाकी को बताया इन्फेक्शन गले में, इसके इन्फेक्शन हो रहा है गले में क्योंकि इसने स्विमिंग किया था और खेल के जैसे लोग खेलते थे तो पानी पिया इन्होंने, ठंडा पानी और एसी में बैठे हैं, उस वजह से इसको इन्फेक्शन हो गया, इसलिए फीवर हो गया इसको, तो दवाई दी डॉक्टर ने, 3-4 दिन की दवाई दी है, तो थोड़ा सा बेटर है, पहले से रात तो फीवर हो गया था, अभी दवाई दी है इसको, थोड़ा आराम लगा है पहले से। तो चलिए कुछ इस तरह से मेरा दिन आज का निकला है, और ये कल से व्लॉग चल रहा है मेरा, तो क्योंकि कल मैंने शाम से स्टार्ट किया था तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी ना, आपको कुछ शेयर कर पाई थी, और आज भी नहीं कर पाई, तो बस चलिए फिर करती हूँ बात, हम भी बारिश का मजा ले लेते हैं। ये देखो ये मैंने चावल और ये राजमा बनाया है, पर आज इसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की है। हाँ ये पाकी निकला, राजमा कर दो इधर दिखाओ, इसको दे दो आगे गुड़ गिर जाएगा, बस बस इतना मेल्ट नहीं हो पाएगा बेटा, ये चीज ज्यादा खानी चाहिए सब्जी। चलो बस चलिए तो हम भी एंजॉय करते हैं, मैंने राजमा तो कर लिया है, राइस करती हूँ और आप भी एंजॉय कीजिए। देखो इससे ठीक है, बिना घी के हमारा मजा नहीं आता है, तो घी तो हम जरूर डालते हैं इसमें, ठीक है। और काट लेते हैं प्याज, क्योंकि बिना प्याज के हमें भी मजा नहीं आता है। तो बाकी हलो प्लेट दीजिए, से हलो प्लेट दीजिए, से एक प्लेट दे देना, प्याज
दी हलवा प्लेट प्लेट भी दे पहले एक प्लेट दे मैं चावल कर लेती हूँ अब हलवा प्लेट देते और मैं अपने लिए कर लेती हूँ चावल क्योंकि छुट्टी वाले दिन ये चीजें बन पाती हैं वैसे तो सुबह सुबह की जल्दी रहता है ना ये सब चीजें नहीं बन पाती थी जल्दी तो आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी सिर्फ राजमा चावल हम लोग खाएंगे एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए रोटी बनाने से ठीक है चलिए तो फिर इसको ढक देते हैं और काट लेते हैं प्याज ये मैंने कट करके रखी हुई है पहले से ही तो इसको मैं गोल गोल कट करूंगी क्योंकि बिना प्याज के तो मुझे मजा नहीं आएगा खाने में तो प्याज जरूर कट करती हूँ मैं और इसको मैं गोल गोल कट करूंगी बहुत अच्छी लगती है इसे कट करने में इसको वॉश कर लूंगी मैं पानी से क्योंकि इसकी जो झल है ना वो निकल जाती है सारी ऐसे इनको निकाल लेंगे बस और पानी निकाल देंगे इसका और हम इस पे डालेंगे नमक नमक डालते हैं नमक इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा सिंपल वाला ठीक है चलिए तो फिर लेके चलते हैं हम पास लेके चलो मैं इनको दिखाती हूँ ये वेट कर रहे होंगे राजमा कहाँ बैठे हो टेबल उधर उधर आ जाओ बैठे टेबल पे चलो 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 हवा ठंडा लग रहा है ना इधर चल इधर बैठो रखो रखो कोई बात नहीं इधर ठंडा हो रहा है आज हम बैठ के खाएंगे नीचे क्योंकि कभी कभी नीचे भी बैठ के खाना चाहिए आपसे बैक से ही बातें करे जा रही थी देर से आराम से पकड़ ले जाना क्योंकि हम लोग नीचे बैठ के खा नहीं पाते बहुत कम खा पाते हैं एक तो स्पेस की कमी है थोड़ा इस वजह से भी आज रूम में हमारा स्पेस हो गया है तो इसलिए और मैं ले चलती हूँ चावल अपने लिए फ्रिज में देखूं कुछ है तो नहीं चटनी चाहिए चटनी चटनी है ये लो चटनी ले जाओ और स्पून दही तो नहीं लेंगे ना ये चटनी चलो हाँ हाँ जितनी है वो ले जाओ हो जाएगा कर दो नहीं से ले जाओ साफ कर दूंगी फिर साथ साथ ना चलिए बारिश जैसे आज हुई ना तेज ऐसे उस दिन भी तेज हुई थी जिस दिन चिंटू आए थे बहुत तेज हुई थी कार्तिक आने वाले हैं सारे शूज वूज गीले करके लगा तो हाँ तो जाम हो गया होगा पर वो घुमा के लाता है ना तो जल्दी ले आता है फ्रेंड से मैं आ गई हूँ किचन में शाम का टाइम बारिश हो रही है तो क्यों ना कुछ खाया जाए तो आज मैं बना रही हूँ सूजी के स्प्रिंग रोल
तो मैंने सबसे पहले सूजी को बॉईल करने रख दिया है। तो इसको इतना मेरे को बॉईल करना है ताकि गाढ़ा हो जाए ये। और इसको ठंडा करने के बाद उधर मैंने आलू बॉईल किए हुए हैं, आलू को ठंडा करके कस के इनको मिक्स करना है, सूजी को और आलू को दोनों को, और अच्छे से इसको आटे की तरह गूंथना है। उसमें मसाले ऐड करने हैं। आप मैंने प्याज डाला था तो आप प्याज न डालें, क्योंकि उससे मुझे स्प्रिंग रोल बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम सा थोड़ा सा हुआ था, वो निकल भी रहा था, तो आप प्याज न डालें तो और अच्छा बनेगा। तो उसमें मैंने धनिया, मिर्च, नमक और जीरा पाउडर, ये सब मैंने मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए थे, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया था उसमें। बहुत टेस्टी बने थे। उसके बाद उनका अच्छे से आटा गूंथ के टाइप से, और हाथ से थोड़ा सा तेल लगा के, और पतले पतले गोल गोल मतलब लंबे लंबे करके जैसे स्प्रिंग रोल होते हैं ऐसे बना बना के रख लीजिए, और उसके बाद सारे एक साथ तो उनको तल लीजिए और चाय के साथ आप खाइए, बहुत टेस्टी लगेंगे। आप बच्चों को भी स्कूल में लंच में टिफिन में दे सकते हैं, इसको कभी भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना, और आपने अब अगर कभी बनाई हो, किस तरह से बनाई हो, तो वो भी मुझे बताना। और उधर मेरी बन रही है चाय, तो ये मैं इस तरह से मैं बना लेती हूँ। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी, और बस इसी तरह से मैं ये वाला शाम का नाश्ता बना लेती हूँ, और यही वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। और आप ज़रूर जब बनाओगे, किसी ने जो भी कोई ट्राई करेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी कैसी लगी रेसिपी। बस ये है कि आप जैसे सूजी लोगे, जैसे आप हलवे में पानी डालते हैं ना, जब उसको बॉईल करोगे पानी में, तो उसका दुगना पानी लेना है, बस ये ध्यान रखना है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है उसमें, गाढ़ा ऐसे ही हो जाता है। ठंडा कर लो और अच्छे से आटे में गूंथ भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, तो बहुत अच्छे से होती है। और हरी मिर्च भी डालना चाहे हरी मिर्च डाल सकते हो, लेकिन नहीं डालो तो सही है, क्योंकि वो निकलता है फिर बाद में। मैंने ट्राई किया था पर वो निकलना था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिंपल ही रहना वो बेटर है और अच्छी भी लगती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थोड़ी सी अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और देन बाय, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ में।